सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज है सप्ताह का पांचवा दिन और आज बारी आती है हमारी हिंदी की क्लास की, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी स्वर और व्यंजन को पढ़ना और पहचानना हिंदी की बुक के माध्यम से। उसके बाद रिटन में मैं आपको सिखाऊंगी बड़ी ई लिखना, फिर हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे हमारी हिंदी की पोयम पानी बरसा को एक्शन के साथ सीखने की। तो चलो बच्चों, हमारे हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्वर का पहला अक्षर है अ। देखो ये क्या है, अ। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर। समझ में आया आपको ये क्या है, अ। अ के बाद आता है आ। अब आप देखो ये क्या है, इसको पहचानो, ये है आ। आपको बोलना भी है मेरे साथ, बोलो आप आ। आ से आग, आ से आटा, आ से आम, आ से आसन और आ से आइसक्रीम। आ के बाद आता है छोटी ई। क्या है ये, छोटी ई। आप भी बोलो छोटी ई। छोटी ई से इंद्रधनुष, ये देखो आप, ये क्या है, इंद्रधनुष। इसको हम रेनबो भी बोलते हैं इंग्लिश में और इसमें सात रंग होते हैं। छोटी ई से इंद्रधनुष, छोटी ई से इमली, खट्टी खट्टी इमली, छोटी ई से इंजन और छोटी ई से इमरती, मीठी मीठी इमरती, छोटी ई से इमरती। छोटी ई के बाद आता है बड़ी ई। बड़ी ई से ईदगाह, बड़ी से ईख, बड़ी से ईद और बड़ी से ईंट, जिससे घर बनता है। देखो आप, बड़ी से ईंट। बड़ी के बाद आया छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू, और उल्लू क्या करता है, उड़ता है। छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उड़ना और छोटा ऊ से उछल। ये देखो, ये प्यारी सी बच्ची बहुत खुश है इसलिए वो उछल रही है। छोटा ऊ से उछल, छोटा उसे उपवन, छोटा उसे उतर, सीढ़ी से ये बच्चा उतर रहा है और छोटा उसे उपहार। हमारा बर्थडे होता है तो हमको क्या मिलता है, उपहार, गिफ्ट मिलता है, छोटा उसे उपहार। अब छोटा ऊ के बाद क्या आया, बड़ा ऊ। देखो आप इसे ध्यान से और पहचानो, बड़ा ऊ। बड़ा उसे ऊंचा, बड़ा उसे ऊपर और बड़ा उसे ऊंट। ये क्या है, ये कौन सा जानवर है, ऊंट, और बड़ा उसे ऊन। बड़ा ऊ के बाद आया ए। ए से एक तारा। ये देखो आप, ये जो एक तारा है, ये जो है यंत्र है, इसमें सिर्फ एक तार है तो इसको एक तारा बोलते हैं। ए से एक तारा। ए से एक मतलब वन, एक, और ए से एड़ी। ए के बाद आता है आई। आई से ऐनक, आई से ऐनक। जब आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो क्या लगाते हैं, ऐनक। आई के बाद आया ओ। ओ से ओस, ये पानी की बूंदें हैं, ओ से ओस। ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी मतलब दुपट्टा, ओढ़नी, और ओ से ओट, हमारे लिप्स को ओट भी बोलते हैं, ओ से ओट। ओ के बाद क्या आया औ। औ से औजार, औ से औरत, औ से औषधि, औषधि मतलब दवाई, औषधि, फिर से बोलते हैं औ। औ से औजार, औ से औरत, औ से औषधि। औ के बाद आया अंग। अंग से अंगूठा, देखो आप ये अंग से अंगूठा, और ये कौन बैठे हैं, अंकल बैठे हैं, अंग से अंकल। अंग से, और अंकल ने क्या पहनी हुई है, अंगूठी पहनी हुई है, तो अंग से अंगूठी और अंग से अंगूर। और यहाँ पे क्या जल रहा है, अंगीठी, अंग से अंगीठी। आप भी बोलो अंग से अंगीठी, अंग से अंगूठा, अंग से अंगूर, अंग से अंकल और अंग से अंगूठी। अब अंग के बाद आता है अह। लेकिन अह से तो कुछ भी नहीं होता है, तो अह है खाली बच्चों बजाओ ताली। और हमारे स्वर का आखिरी अक्षर वो है री। क्या है ये, री। री से ऋषि, री से ऋषि। तो हम
व्यंजन की तरफ चलते हैं और हम पेज नंबर 22 निकालते हैं। देखो आप 22 और व्यंजन का पहला अक्षर है क। क से कलम। पेन को हम क्या बोलते हैं? कलम, हिंदी में होता है कलम। और ये क्या है? कमल, सुंदर सा फूल, हमारा राष्ट्रीय फूल, ये है कमल। और ये है कछुआ, जो पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है। क से कछुआ। क से कबूतर, गुटर गू करता है कबूतर। क से कटोरी, कटोरी में हम क्या खाते हैं? दाल सब्जी, है ना। और ये है कलश। क से कलश, जिसमें हम पानी भर के रखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? क। क के बाद आता है बच्चों ख। ख से खटिया, ये देखो ये चारपाई है, इसको कहते हैं खटिया। गांव में लोग इसको ही यूज करते हैं। और खटिया में क्या रहता है? खटमल, ये एक छोटा सा कीड़ा है जो कि खटिया में रहता है। और फिर ये खून चूसता है, जैसे मच्छर होता है वैसे ही ये खटमल होता है, ये बहुत शैतान है। ख से खटखटाना, जब हम घर पे किसी के जाते हैं तो नॉक करते हैं ना, अगर बेल नहीं बजती है तो ख से खटखटाना। ख से खरगोश, प्यारा सा जानवर, ख से खरगोश। और ख से खरबूजा, खरबूजा क्या होता है? एक तरह का फल होता है, ख से खरबूजा। अब हम पेज को टर्न करते हैं और अब आया अगला अक्षर जो है ग। ख के बाद आता है ग, साफ साफ बोलेंगे ग, मेरे साथ बोलो आप। ग से गज, हाथी का दूसरा नाम गज भी होता है। ग से गज, इसकी लंबी सी सूंड है, ग से गज। और गज को क्या पसंद है? गन्ना, ग से गन्ना। और ग से क्या होता है? ग से गधा, दुनिया का सबसे मेहनती जानवर, ग से गधा। और ग से गाय, जिससे हमें मिलता है दूध, ग से गाय। और ग से गाजर, जिससे बनता है गाजर का हलवा, ग से गाजर। तो देखा आपने, ग है बहुत काम का। और ग से गमला, जिसमें हम फूल लगाते हैं, ग से गमला। ग के बाद बच्चों आता है घ। क्या है ये? घ। घ से घटा, घटा मतलब बादल, जिनसे बारिश होती है। घ से घटा। घ से घड़ा, ये आंटी जो हैं ये पानी भरने गई तो उन्हें कौन मिला रास्ते में? घड़ियाल, जिसको देखकर आंटी घबरा गई। तो घ से घबराना, घ से घड़ियाल, घ से घबराना, घ से घड़ा। और घ से घर, पानी भर के कहाँ जाएंगी? घर में जाएंगी। और घ से घड़ी, घड़ी हमें समय बताती है, घ से घड़ी। घ के बाद आता है अड़। अड़ है खाली, बच्चों बजाओ ताली। अड़ से कुछ नहीं होता है, अड़ होता है खाली। तो बच्चों ने बजाई ताली। तो पढ़ा आपने ये, क से अड़ को ऐसे ही रीड करना है और इसका वीडियो बना के मुझे भेजना है। बच्चों अब मैं आपको बड़ी ई लिखना सिखाती हूँ। आज तक हमने हिंदी में क्या क्या लिखना सीखा है? अ, आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अंग, अह। हमने लिखना तो लिखना सीख लिया, आज हम फिर से लिखना सीखेंगे बड़ी ई। बड़ी लिखने से पहले हम लिखेंगे आज की डेट। आज है 25 सितंबर। अब मैं आपको सिखाती हूँ बड़ी ई लिखना। ऊपर वाली लाइन पे आपको पेंसिल रखनी है और यहां से एक छोटी सी लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनानी है। फिर सी बनाना है, हाथ नहीं हटाना है, उल्टा सी उसे मिला के बनाना है। फिर उसकी पूंछ निकाल देनी है। ये करने के बाद आपको आपका हाथ हटा देना है। फिर आपको वापस जाना है जहां से हमने लिखना शुरू किया था और यहाँ पे एक हुक बनाना है और फिर छत लगा देनी है। इस तरह से आपको लिखना है बड़ा ई। फिर से देखिए, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सी बनाया, उल्टा सी बनाया, उसकी पूंछ निकाल दी ऐसे। फिर हमने जहां से शुरू किया था हमको वहीं से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए एक हुक बनाना है और फिर छत लगानी है। इस तरह से आपको लिखना है बड़ी ई। यह है बड़ी ई।
बाहर नहीं निकालना है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको बोर्ड पे तो लिखना सिखा दिया, अब मैं आपको नोटबुक पे लिख के बताती हूँ। बच्चों आज हम नोटबुक में फिर से बड़ी ई से ईख लिखेंगे। ये क्या है बड़ी ई? इसको लिखने से पहले हमें आज की डेट लिखनी है और वो आपको खुद लिखनी है। आज है 25 सितंबर 2525, ये आप लिख सकते हो अब 25.9.2020। इस तरह से आपको डेट लिखनी है। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे बड़ी ई। अब बड़ी ई कैसे लिखेंगे? अब तो आपको आ गया है ना, पहले छोटी सी लाइन बनाई, छोटा सा वन, और फिर हमको उससे मिला के सी बनाना है, फिर उल्टा सी बना देना है, फिर उसकी पूंछ निकाल देनी है, फिर हमको ऊपर एक हुक जैसा ऊपर की तरफ जाना है, हुक लगाना है, फिर छत लगानी है। इस तरह हमें बड़ी ई लिखना है। फिर से बताती हूँ मैं, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सी बनाया, उल्टा सी बनाया, फिर उसकी पूंछ निकाली और इस ब्लू लाइन को टच किया। फिर हमको यहाँ पे जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, ऐसे एक हुक बनाना है और फिर इसके ऊपर छत लगा देनी है। इस तरह से आपको बड़ी ई लिखना है, ऐसे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और ऐसे ही लिखना है आपको। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा वर्क करोगे। स्टैंडिंग लाइन सी, उल्टा सी, फिर उसकी पूंछ निकाली, अब हमने बनाया छोटी ई। छोटी ई बनाने के बाद जहाँ से हमने शुरुआत की थी हमको ऐसे ऊपर हुक बनाना है इस तरह से, फिर छत लगा देनी है। देखो बच्चों, इस तरह से आपको बड़ी ई लिखना है। बड़ी से क्या क्या होता है? बड़ी से ईख, बड़ी से ईंट, बड़ी से ईद और बड़ी से ईदगाह। ऐसे बड़ी ई लिखनी है और अब हमने पहली लाइन फिनिश कर ली है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड लाइन पे। इन दोनों ब्लू लाइन के बाहर नहीं जाना है, हमको इसके अंदर ही लिखना है। और आप ऐसे कब लिख पाओगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप बिल्कुल अच्छा बड़ी ई लिखना सीख जाओगे। बच्चों अब हमारी लास्ट लाइन चल रही है, देखो आप ठीक से मैंने कैसे लिखा है बड़ी ई। पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सी बनाया, उल्टा सी बनाया, फिर उसकी पूंछ निकाल दी, फिर यहां से हमने ऐसे एक हुक बनाया इस तरह से, और ये हुक हमको नीचे से ऊपर तक जाने में, नीचे से ऊपर जाना है, ऐसे हुक बनाना है, इस तरह से आपको लिखना है, और फिर छत लगानी है ऐसे, ताकि आपको ये लाइन दिखे आपको कहाँ पे मिलाना है उससे। देखो आप ये ऐसे, फिर छत लगानी है और इस तरह से हमने बड़ी ई लिख लिया एक पेज। इसी तरह से आपको वन पेज बड़ी ई का लिखना है और आपको साथ में डेट भी लिखनी है और क्लास वर्क भी लिखना है। फिर आपको मुझे इसकी पिक्चर भेजनी है। बाय बच्चों, हमने लिखना तो सीख लिया, अब बारी आती है हमारी कविता को रिवाइज करने की, जो है पानी बरसा। चलो अब आप मेरे साथ एक्शन के साथ इस कविता को, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पांव फिसल गया, गिर गए हम, छाता नीचे ऊपर हम, उड़ गया छाता, रह गए हम। फिर से एक बार बोलते हैं, पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पांव फिसल गया, गिर गए हम, छाता नीचे ऊपर हम, उड़ गया छाता, रह गए हम। तो बच्चों इस तरह से आपको इस कविता को बोलना और याद करना है और फिर इसका वीडियो बनाना है और मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ।